नमस्कार, इंडिया अपडेट के खास कार्यक्रम क्रॉस फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं वो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, श्री रामकृपाल यादव जी। रामकृपाल यादव जी, स्वागत है आपका। ये आपका भी धन्यवाद है। रामकृपाल जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि लगातार एक समस्या रहती है, जब भी केंद्र में अगर कोई सरकार हो, राज्य में दूसरी सरकार हो, तो हमेशा एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। कहा जाता है कि राज्य के विकास में कहीं ना कहीं केंद्र बाधक बन के आ रहा है, और केंद्र जो है हमेशा बाधा उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से आपको भी अक्सर इस तरह के सवाल पैदा किए जाते हैं, उठाए जाते हैं। नीतीश जी कल प्रधानमंत्री से भी मिले, वहाँ भी उन्होंने कहा कि केंद्र का पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की जो शिकायतें हैं, और ख़ासकर जो जिस मंत्रालय को फिलहाल आप संभाल रहे हैं उसमें तो इस तरह की शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, और काफ़ी दिनों से ये शिकायत है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इंडिया अपडेट परिवार को और आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। आपने एक नई क्रांति पैदा की है बिहार की सरजमी से। ये चैनल प्रारंभ करके ख़ासतौर पर फेसबुक और ट्विटर में से जो जुड़े हुए लोग हैं, आजकल उसी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वक्त नहीं होता है समाचार पत्र पढ़ने का या फिर टीवी चैनल देखने का। तो पल पल की खबरें, और एक खबरें नहीं, कई तरह की खबरों को, और जो लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं उन तक है, मैं आपको जितना बधाई दूं वो कम होगा। इंडिया अपडेट परिवार को बहुत 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 बधाई, एक क्रांतिकारी कदम उठाया है जिससे बिहार वासियों को और इससे देशवासियों को भी, और मैं समझता हूँ कि विदेशों में रहने वाले खासतौर पर बिहार के लोगों को बड़ा लाभ पहुँचेगा। खासतौर पर जो प्रश्न आपने किया, केंद्र और राज्य संघीय व्यवस्था है, और ख़ासतौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्ववर्ती सरकारों की बात मैं नहीं करता, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी, जब से मैं करीब करीब से सरकार का एक अंग हूँ, वैसे सांसद के रूप में था, तो मैं पहले दिन से देख रहा हूँ कि सरकार राज्यों को विश्वास में लेकर के और उनके अधिकार को और देने के लिए प्रयत्नशील रही है। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर ऐसा प्रयास किया है कि जो संघीय ढांचा है राज्यों को और मजबूत करने का, उसके तरफ अग्रसर हैं, और कई निर्णय उन्हें लेने का काम किया है। खासतौर पर अभी आपने देखा होगा कि जो शायद ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने अधिकार को राज्यों के हाथ में सौंपने का काम करें, वित्तीय अधिकार बहुत बड़ा होता है, जो केंद्र में राज्यों का हिस्सा होता था 10% इन्हांस कर दिया, पहले 32 था 42 कर दिया, अपनी ताकत कोई देना नहीं चाहता, और ये इतने खुले मिजाज के हैं राज्यों के विकास में। चूँकि आमतौर पर होता था कि विभिन्न राज्य अपने आवश्यकता के अनुसार राशि आवंटित नहीं करा के लाने की वजह से उनका विकास अवरुद्ध होता था, ये जो 42% पैसा है या 10% जो हम लोगों ने दिया 32 से 42, ये पूरे फ्रीडम है राज्यों को कि उनके राज्य में विकास वैसे प्राथमिकता देंगे जो जरूरत है। केंद्र की जो योजना बनती है पूरे देश के पैमाने पर योजना को लागू किया जाता है, मगर कई ऐसे राज्य हैं जिनको जो योजना का आवश्यकता है, जो केंद्र अपने नज़रों से देखती है, राज्यों को उतनी आवश्यकता नहीं है। कहीं पानी का अभाव ज़्यादा है, जहाँ बिजली का अभाव ज़्यादा है, कहीं सड़क का, कहीं मकान का, कहीं शिक्षा में बिल्डिंग का, कई ऐसे चीज़ हैं जिसके लिए राशि की जरूरत पड़ती है, और उस राशि की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेप उठाने का काम किया है, और बड़ा परिवर्तन हो रहा, बड़ा सहायक भूमिका अदा करेगा यह राशि जो दी गई है। और ख़ास तौर पर बिहार के मामले में नीतीश कुमार जी एक्चुअली अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, अपने कर्तव्यों से विमूढ़ हो रहे हैं, और अब उनका उनके पास धनराशि है नहीं, आमदनी का जो जरिया था वो बंद हो गया, एक्साइज ड्यूटी ख़त्म हो गया, सेल टैक्स में कमी आ गई, केंद्र और राज्य के हिस्से होते हैं, केंद्र जो राशि आवंटित करती है उसमें राज्यों को भी अपना अंशदान देना पड़ता है, तभी कोई योजना पूरा होता है, केंद्र कोई थोपने का काम नहीं करती है।
और ख़ास तौर पर न सिर्फ हमारे विभाग में बल्कि डिफरेंट जो विभाग हैं जिसमें केंद्र सरकार पूरी मजबूती के साथ उसमें अपना योगदान दे रही है। और पूरे तौर पर प्रधानमंत्री ने मेरे सामने बिहार के चुनाव के दरमियान जो उन्होंने अनाउंस किया था कि हम विशेष सहायता प्रदान करेंगे और काफ़ी राशि देने की बात कही थी, लगभग 1,65,000 करोड़ देने की बात की गई थी। और मैं उसका गवाह हूँ कि उन्हें हमारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को और सारे मंत्रियों को बुला करके, चूँकि मंत्री स्तर की बैठकें होती रहती है, तो उन्हें कहा कि राज्यों को जो हमने या बिहार को जो हमने वादा किया है उसका अच्छर से पालन करेंगे और पूरी की पूरी राशि हम देने का काम करेंगे। जो चूँकि चुनाव से मतलब नहीं है, चुनाव के दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए कोई स्पेशल पैकेज देने का काम नहीं किया, चूँकि राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार, लीड सरकार, यूपीए सरकार रही है, मगर बिहार की उपेक्षा होती रही है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो राशि उन्होंने बिहार के विधानसभा के चुनाव के वक्त में कहा था, वो पूरी राशि, पूरी योजना की राशि देने का काम किया है, जैसे रेल में, सड़क में, अन्य जो बिजली में, अन्य जो महत्वपूर्ण योजना है उसमें काफ़ी राशि बिहार को भारत के प्रधानमंत्री ने बिना कोई भेदभाव को देने का काम कर रहे हैं। अब राज्य की सरकार के पास ये काम नहीं कर पा रहे हैं, इनको तो यहाँ बेरोजगारी है, गरीबी है, विकास इससे बिल्कुल ये अपने आप को अलग हटा लिए हैं। और एक सूत्री प्रोग्राम, चूँकि अब इनका ख्वाब बड़ा हो गया है, ये प्रधानमंत्री बनने के सपना देख रहे हैं, सपना तो पूरा होने को नहीं है, चूँकि अगले कई वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही रहेंगे, देश का मत ही है। सवाल, एक सवाल तो ये है कि आप मान रहे हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है, गरीबी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, विशेष पैकेज क्यों, फिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? विशेष राज्य का दर्जा पिछली गवर्नमेंट ने जो नीतिगत फैसला लिया था, यानी उनके जो अभी नीति आयोग ने फैसला लिया, उसमें ये कहा गया कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त होगा। ये हमारी सरकार का निर्णय नहीं है, हमारी पहले वाली सरकार जो अब नीति आयोग के नाम से जानती है और वही मानक तय करती है, उसने ये निर्णय लिया था, हमारा कोई निर्णय नहीं है। नीति आयोग ने एहसास किया देश के पैमाने पर कि अब किसी भी राज्य को विशेष का दर्जा नहीं देंगे, विशेष पैकेज देंगे, हेल्प करने का काम करेंगे, और उसके अनुसार हमारे प्रधानमंत्री देने का काम किया। एक बात बता रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो हमारे विभाग का, इसके पहले मैं पेयजल स्वच्छता मंत्रालय मेरे जिम्मेवारी में थी, माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा एक जिम्मेवारी दे रखा है, तो पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के माध्यम से जो राशि दी जा रही थी, सबसे कम खर्च बिहार के निर्माण में, स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है। अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय में खास तौर पर मैंने अभी कुछ एक महीने के दरमियान बारीकी से बिहार के आवंटन को देखा है और बिहार के कार्य प्रगति को देखने का काम किया। अभी मैं पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ मीटिंग होती है, दिशा एक नई कमेटी बनी है जिसके अंतर्गत पटना जिला इतना पिछड़ा हुआ है, इतने मनरेगा में इतनी भारी राशि है देश के लिए, बिहार फायदा नहीं उठा रहा है, सबसे कम खर्च हो रहा है। वो तो मांग के आधार पर पैसे दिए जाते हैं बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए, तो ये हालात है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो हमारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, लगभग 5,000 किलोमीटर ऐसे सड़क है जिसका DPR बनकर नहीं गया है। और यही नहीं, जो पैसा आवंटित किया गया, लगभग पूरे बिहार में 19,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का है जो अधूरा पड़ा हुआ है। अब DPR मांगा जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, तो DPR नहीं दीजिएगा तो कैसे राशि आवंटित होगी? तो सरकार, यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश के पैमाने पर 2011 के जनगणना के आधार पर जो सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर गणना हुआ था, उसके आधार पर सूची मांगी जा रही है, बिहार अभी तक पीछे है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें अब राशि बढ़ा करके लगभग 1,50,000 रुपये की कर दी गई है, गरीबों को फायदा होता, तो ये कुछ महत्वपूर्ण। उसी तरह से मैंने कई और भी, पेंशन में है और भी, आजीविका में है, सब में बहुत कम खर्च कर रही है। और मैं समझता हूँ कि अभी पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति है, कई डिस्ट्रिक्ट प्रभावित। बाढ़ पर कृपाल जी, राम कृपाल जी आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक सवाल और कर लेते हैं। आपने कहा कि इस
बिहार के पास पैसे नहीं है, धनराशि नहीं है, राज्यांश जो है वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी का बंद होना, सेल्स टैक्स में कमी आना, ये तमाम इशूज को आपने उठाया, तो आप क्या मानते हैं कि शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे गलत फैसला था? नहीं, शराबबंदी होनी चाहिए, मैं इसके पक्षधर हूँ कि शराबबंदी होनी चाहिए, मगर जिस तरह से शराबबंदी करा करके कानून को इम्पोज करके लोगों को हरास कर रहे हैं, अपने अधिकारियों पर अंकुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नीतिगत जो फैसला लिया है वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। और अगर चूँकि धनराशि बहुत 86,000 करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष इनकी जो आमदनी है वो उसमें कमी आएगी, तो उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था आपने नहीं करने का काम किया। आपके पास संसाधन की कमी है, आपके यहाँ से कोई कल नहीं है, कारखाना नहीं है, तो आखिर क्या कीजिएगा? आपने 150 आइटम पर आपने इम्पोज कर दिया टैक्स, आम लोगों को कितना तकलीफ होगा, महंगाई बढ़ाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका दी है, लोगों के पॉकेट से पैसा छीन रहे हैं, आपने पेट्रोल और डीजल पर वैट लगाने का काम किया है, आपका आमदनी होगा कहाँ से? वैट लगा करके जो पड़ोस के राज्य हैं वहाँ से लोग तेल उठाने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये काम आप करते उसका वैकल्पिक व्यवस्था करते राज्य के विकास में कोई बाधा नहीं होता। इनके निर्णय गलत हो रहे हैं, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, विकास से वंचित करवा रहे हैं, अपने बेरोजगारों को बेरोजगारी कैसे दूर हो इसकी चिंता करते, आप कहाँ कर पा रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है आपके यहाँ। राज जी, जिस तरह की सरकार बिहार में चल रही है, एक वाक्य में क्या नाम देंगे बिहार की सरकार को, जिस तरह से व्यवस्था यहाँ की चल रही है उसको देखते हुए? क्या नाम देंगे, इनाम लायक है ही नहीं है बिहार की सरकार, नाकारी है, निकम्मी है और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, बिहार की जनता को परेशान करके छोड़ रखा है, अब इनको भगवान नाकारी और निकम्मी है बिहार सरकार, साफ तौर पर रामकृपाल जी का कहना है, और इनका साफ तौर पर यह कहना है केंद्रांश लगातार केंद्र से मिल रहा है, लेकिन बिहार में एक्साइज ड्यूटी खत्म होने की वजह से और सेल टैक्स में कमी आने की वजह से बिहार सरकार राज्यांश भी देने में सक्षम नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बिहार की दुर्गति लगातार बन रही है। आज के क्रॉस फायर में फिलहाल इतना ही, कल किसी और शख्सियत से करेंगे मुलाकात, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।